मैं फ़रहशुजात आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ नया साल आप सब लोगों को मुबारक हो मैं बज़म शेर व अदब में आज ऐसी हस्ती को मद्व किया है जो किसी तारीफ़ को मत... किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं बहुत बड़ा नाम है उनका ऐसी हस्ती को मदो करने का मकसद ये है कि आप सब जान सकें उनके बारे में उनका शुमार दौरे हाजिर के मशहूर नात ख़ान में होता है नात ख़ानी वो कलाम है जिसे सुखन के पुरा खुले सुरात पर गुजरने वाला कलाम भी कहा जाता है तो मैं स्टूडियो में सभी उद्दीन रहमानी साहब को वेलकम कहती हूँ खुश आमदीद सर वालेकुम जनाब बहुत शुक्रिया आपका और ई आवाज़ टी वी का कि आपने मुझे याद किया और ये मौका इनायत फरमाया कि मैं अपने यहाँ सुनने वालों को देखने वालों से कुछ बातें कर सकूँ बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया कहते हैं कि नात वो अमल है जो जिसके रूहानियत से ख़ास लगाव होता है और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से तो वही नात कह सकता है हर आदमी नात नहीं कह सकता है आपका भी शुमार उन्हीं शोरा में होता है जो पूरी दुनिया में जाने पहचाने जाते हैं और आप माशाल्लाह से हर साल कनाडा में भी आते हैं अमेरिका दूसरे मुल्कों में भी आपका जाना होता है इस सिलसिले में तो सर मुझे आप बताइएगा कि ये नात का शौक़ आपको कैसे और कब कहाँ से हुआ नात खानी तो जाहिर है कि बिल्कुल बचपन से तीसरी क्लास से मुझे अपने इस्कूल में ये मौका मिला कि मैं वहाँ अपने स्कूल की तरफ से मुकाबलों में शरीक हो सकूँ तो नात खानी का जौक़ तो वहाँ से डेवलप हो गया और कोई सातवीं छठी सातवीं क्लास में मुझे शेर कहने का शौक़ हुआ अच्छा। तो चूँकि मेरे मिजाज की मुनासबत नात ही की तरफ़ थी हालांकि मैंने इब्तदा में चंद गज़लें भी लिखी लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि ये मैदान मेरा नहीं है तो मैं फिर नात की तरफ़ ही आ गया और अल्लाह ने फिर सारी ज़िंदगी इसी साबान करम में रखी और इसी तरह मुझे रखा अल्लाह के करम माशाल्लाह नहीं जैसा आपने बताया कि आप क्लास थ्री थ्री जमात से आपने नात पढ़ना शुरू किया और लिखना शुरू किया ये छोटी सी उम्र सातवीं में जी थे, जी थे तो आपने लिखना बकायदा शुरू कर दिया तो आपका सारा दिमाग आपका सारा ध्यान नात की तरफ ही था या आपने शायरी भी की आपने मेरा ख्याल है अल्लाह जब किसी से कोई काम लेना चाहता है ना तो बिल्कुल इब्तदा ही में उसका एक मिजाज बना देता बेशक बिल्कुल और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें अपनी डेवलप होती चली जाती हैं और फितरत उसकी तरबियत करती चली जाती है जो काम अल्लाह रबुल्ज़त ने ला तो मैं बहुत इब्ताई उम्र के इब्ताई मरहलों से नाशरीफ़ से मेरा जुड़ना ना शरीफ का जौक़ पैदा होना और नात के बारे में ग़ौर फिक्र करना कि ये सन्फ़ क्या है इसके मकासद क्या हैंदारत मापली में इसका मंजरनामा क्या था उस वक्त नात ने कौन सी खिदमत सर अंजाम दी इस्लाम की और उसके बाद फिर आज तक लेकर आज के अहद तक नादगो शुरा ने लिटरेचर को क्या दिया और हम लिटरेचर में कहाँ खड़े हैं नादगो शहरा का अगर कोई मकाम वतबा मतम नहीं हुआ तो उसकी क्या वजह है ऐसे बहुत सारे सवाल थे जो बहुत इब्तदाई उम्र से मेरे जहन में आने लगे थे और मैं उन सवालों के जवाब की तलाश में फिर काम भी करता गया सफ़र भी करता गया मु भी करता गया और अल्लाह के करम से फिर बहुत सारी कोशिश की मैंने और अल्लाह ने कामयाब भी किया बेशक नात लिखना और पढ़ना एक रूहानी कैफ़े से गुजर कर और उसको पाए तक मिल तक पहुँचाना तो जी जनाब हमारे साथ जाना सभी उद्दीन रहमानी साहब हैं और आप सबको जैसा कि पता है कि मशहूर नात ख़वा हैं और आप सब लोग भी सुनना चाहेंगे हमारे साथ तो आपसे मैं गुज़ारिश करूँगी कि आपके जो सबसे ज़्यादा मुझे पसंद है कि काबे का मंज़र अल्लाह वक्त वो मुझे सुना दीजिए आप काबे की रौनक काबे कम कबर देखो देखो तो देखे जाऊं बराबर अल्लाह हो अकबर अल्लाह अकबर कतरे को जैसे समंदर समेटे मुझको मताफ अपने अंदर समेटे मुझको मताफ अपने अंदर समेटे जैसे जैसे समेटे आगोश गोश हरम की क्या बात मौला ता उम्र कर दे आना मुकदर अल्लाह हो अकबर अल्लाह हो अकबर अल्लाह सुबहान अल्ला hmm. बहुत खूब सर बहुत खूब ऐसे कैफियत में हम लोग हैं कि वाकई से बाहर निकलना बहुत मुश्किल है लगता है कि बस सुनते ही चले जाए नात ख़्वानी या नाद गोई फ़िक्र का मरहला भी है और फ़न की बिसात भी इसलिए नात गोई एक मुश्किल और नाजुक मरहले को हम तय करके ही नात ख़ँ बनते हैं और नात गोई हम शुरू करते हैं चूँकि आपने बहुत सारी जबानों में पढ़ी होगी दूसरी जुबानों में भी लेकिन सबसे ज्यादा किन जबानों में नात आपने पढ़ी मैंने सबसे ज्यादा तो उर्दू में ही कलाम पढ़ा है लेकिन इसके अलावा फारसी में पंजाबी में भी कुछ कलाम पढ़े अच्छा फारसी भी हाँ फारसी लेकिन ये कि उर्दू ज़ाहिर है कि मेरी अपनी जबान है उसमें जा, इंसान ज़्यादा कम्फर्टेबल होता है जी और बहसीत शायर भी चूंकि मैंने उर्दू में लिखा सब कुछ तो मेरी ख्वाहिश ये होती है कि उर्दू के अच्छे कलाम को सामीन किस समातों तक पहुँचाऊँ क्योंकि इससे एक तरफ तो रसोल्लाम की तारीफ तोसीफ़ के बाद पहलू पहुँच जाते हैं बाज़ अहदीस का तर्जुमा पहुँच जाता है बाज सीरत के बाद और हम उलट लेते हैं नात सुनते हुए और उसके साथ साथ उर्दू की तरवीज भी होती है याद रखिए कि उर्दू की तरवीज में जहाँ दीगर चीज़ों का हिस्सा है वहाँ एक बहुत बड़ा हिस्सा नात खानी का भी है और समा का भी है क्योंकि इसके सुनने वाले दुनिया भर में लाखों करोड़ों लोग हैं और जब हम उर्दू में कलाम पढ़ते हैं जाके दुनिया में तो चाहे उस जबान से वाकिफ होने वाला हो या ना हो वो सब तवज्जो से सुनते हैं यानी मैंने बाद प्रोग दुनिया में ऐसे भी किए हैं जिन जिन मजबूों में उर्दू के समझने वाले बहुत कम थे लेकिन वहाँ उन्होंने इंतज़ाम ये किया था कि मेरे पढ़ने के बाद कोई लोग ट्रांसलेट करते थे लेकिन उनको हैरत ये होती थी कि हम बग़ैर किसी म्यूज़िक के बग़ैर किसी साज के सहारे के सिर्फ़ अपनी आवाज़ के ज़ेरबम से एक नगमा कैसे पैदा कर लेते हैं हुँ, हुँ। और उसमें हम जो बात कर रहे हैं जो बात पहुँचाना चाहते हैं वो किस तरह असर अंगेजी के साथ पहुँच रही है तो मेरा ख़्याल है इसमें नातखानी का एक बहुत बड़ा किरदार है कि रसोल स मोहब्बत को आम करने में उनकी शख्सियत के महासन को बयान करने में नाथखानी ने बहुत किरदार अदा किया और उर्दू ने खास तौर पर उर्दू का भी बहुत खदमत है, है उर्दू जुबान हमारी अपनी जुबान है हमारी जुबान है अलहमद ला लेकिन आ, मैं सर आपसे ये पूछूंगी कि आपने इतने सारे शोरा का कलाम पढ़ा लेकिन सबसे ज्यादा किसका पढ़ा कौन से ऐसे शायर जिनका कलाम आपने बड़े शौक और ओक़ से पढ़ाओ देखिए हर शायु अच्छा लगाओ जी मैंने मुतद शुरा का कलाम पढ़ा लेकिन चूँकि मैं खुद शायर हूँ तो इसलिए बेशर कलाम मेरा अपना होता है उसकी वजह यह होती है कि मैं खुद लिखता हूँ और सबसे पहले मुझे पढ़ना होता है और उसके बाद फिर वो अवान नाज तक पहुँचता है तो सबसे ज़्यादा तो अपना ही पढ़ा है। लेकिन इसके अलावा भी मैंने अदीब रायपुरी साहब का हफीज़ हफ़ीताइब साहब का पीर नसीर साहब का आसी करनाली साहब का अच्छा, और चार। बड़े मुतदद दिलवी साहब का कलाम मैंने कोशिश की कि ज़बान के अतबार से बहुत सलीके से बहुत तोज्जो से जो नातें लिखी गई हैं ख़ास एहतमाम के साथ वो अवाम तक पहुँचें ताकि आवाम का क़ भी डेवलप हो सुनने वाले को शायरी भी मिले और नगमा भी मिले उसके साथ और एक रूहानी कैफियत जिससे ज़ाहिर से हम सब मुसलमानों को इसके खास वाबस्तगी है और ये सिलसिला भी चल रहा है मैं इनसे बहुत कुछ सुनूंगी और बहुत सारे सवाल भी करूंगी तो सर मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगी जैसे आपने कहा कि आप अपना कलाम भी पढ़ते हैं तो आप शायर भी हैं जी और नाथ खां नाथ गोई आपके तो क्या आपकी फैमिली में भी था कोई मेरी मेरी फैमिली में, में आ, मेरे ताया जान थे लेकिन वो हिंदुस्तान में थे और वहीं उनका इंतकाल हुआ सैयद करीमुद्दीन कमतर उनका नाम था हैदराबाद दक्कन का एक इलाका है ज़िला बीड़ अच्छा। उसमें मुक़ीम थे और तरक्की पसंद शुरा में जो उस इलाके के जो भी थे उनमें एक नुमाया नाम था उनका और उनका एक मजमु भी छपा लेकिन उसकी उनके बाद ख़ानदान में फिर बाज़ दूर के कजन्स में बाज़ नाम आए सैद ज़ियाउद्दीन नईम का एक नाम आया गज़ल के हवाले से नमाया लेकिन मैं मेरा ख्याल है अपने ख़ानदान में अपने घर में वाहिद आदमी था जो शायरी की तरफ आया और उसमें कुछ करने के काबिल हुआ माशाल्लाह माशाल्लाह जैसे आपने बताया कि आपके ताए जान और यह भी मुझे पता चल गया कि आपका ताल्लुक हैदराबाद तक कर जी अल्हम्दुलिल्लाह और ये कि आपने बताया कि आप अपना कलाम पढ़ते हैं तो लिखने का जो शौक़ था आपका पढ़ने का तो आपका था कि आप पढ़ते हैं आपके शौक़ था लिखने का जो सिलसिला था क्या नाच से शुरू किया आपने या शायरी से नहीं या फिर किसी कलाम को या किसी अदीब को शायर को किससे मुताशर होकर आपने सोचा कि लिखा जाए पढ़ा जाए या पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक़ था असल में शायरी के लिए तबीयत में मौजूनीत का होना ज़रूरी है अगर तबीयत मौजू है और आप ये समझते हैं कि आपके जहन में जो लफ्ज़ आ रहे हैं ये किसी सांचे में ढल कर आ रहे हैं या अपना शेरी पैकर लेकर आप पर नाजिल हो रहे हैं तो आप उसको लिखने पर मजबूर हो जाते हैं चाहे आप शायर हों या ना, ना। हो आपकी शेरी शनाख्त तो बहुत बाद में बनती है बिल्कुल लेकिन ज़ाहिर है कि इब्ता में जो मिसरे आप को सूझते हैं आप वो लिख लेते हैं तो बहुत ही जमाना तलब इलमी में आ, हमारे यहाँ एक जमात इस्लामी के हल्के में बच्चों का एक पर्चा निकला करता था साथी अच्छा तो पहली मरतबा साथी में मैंने एक नजम लिख कर भेजी थी बचपन और वो उससे फिर मुझे चूँकि मेरा मेलान तबीयत का नाथी की तरफ था तो फिर वो नातों की तरफ ज़्यादा मेरी तोज्जो नातों की तरफ फिर यूनिवर्सिटी में जाहिर है कि जिस जमाने में हम पढ़ रहे थे तो मैं शोभा सियासियात में था तो उस जमाने में वहाँ मुशारे होना तो हर तालब इलों की शिरकत भी होती थी वाल पेपर्स छपते थे कराची यूनिवर्सिटी में लगते थे उस जमाने में तलबा का कलाम मुज़ल्लों में छपता था तो उसमें उसके लिए मैंने चंद गज़लें भी कहीं अच्छा। और जंग में भी मेरी बाज़ गज़लें छपी मतलब समझ लीजिए कि इतना मोहब्बत की गई उस जमाने में भी लेकिन मुझे बहुत जल्दी एहसास हुआ कि ये फील्ड मेरा नहीं है हालाँकि मैं तरनुम से पढ़ता था और तरन्म से पढ़ने वाले शुरा उमूमन मुशायरों के कामयाब शुरा होते हैं जी बिल्कुल और मुझे ज़ियाउल जयालख काशमी हमारे यहाँ एक शायर होते थे वो मुझसे कहते थे कि अगर तुम गज़ल पढ़ो तो मैं तुम्हें दुबई ले चलूँ उस जमाने में अच्छा। दुबई शुरा का जाना एक बड़ी बात होती आगा। थी। आगा। बड़ी बात होती थी तो मेरी तबीयत नहीं मानी और मैंने उनसे कहा कि नहीं मैं गज़ल की तरफ नहीं जाना चाहता बिल्कुल तो एक वक्त ये आया कि अल्लाह ने मुझे सारी दुनिया में नात के सय में पहुँचा दिया यानी उस जमाने में जो मैंने उससे रोका अपने आप को बल्कि मेरा एक शेर है मैं गज़ल से दूर आया मैं गज़ल से दूर आया जब से ये शा आया नात मुस्तफ़ा कहना आबरू कलम की है वाह वाह वा, वा। तो ये शौर मुझे बहुत इब्तदा से अल्लाह की रहमत से आ गया था सुबहानल्लाफान अल्लाह अल्लाह सर नात कहना कोई आसान अमल तो नहीं है आपको इस बात को भी ख्याल में रखना होता है कि कोई गलत बात मुँह से ना निकल जाए और यह कि अदब और रूहानी कैफियत यह सारा कुछ लेकर के आप चल रहे होते हैं जैसे आपने कहा कि बचपन से ध्यान था आप पहले शायर थे है ना शुरू में इब्तद किया अपनी शायरी से अपने गज़ल से उसके बाद फिर आपने नात गोई शुरू कर दी जी, जी तो आप नात पढ़ने के लिए पाकिस्तान में तो है आपकी पहचान पूरी दुनिया में है सब लोग आपको जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह अमेरिका कनाडा में भी आप हर साल आते हैं जी सबसे ज्यादा आपने कहाँ पे किस जगह पे किस कंट्री में जाना हुआ जहाँ आपने नात ज्यादा पढ़ी हुई हो पाकिस्तान के अलावा अब यह कहना तो बहुत मुश्किल है सोच समझिए कि मैं नाइनटी नाइन से तो कनेडा आ रहा हूँ अच्छा 99 से कैनेडा आ रहे तो, तो उसके बाद फिर अमेरिका गुजशत पाँच बरस से मैं जा रहा हूँ फिर उसके बाद बरतानिया में गुज्त कई बरस से आता हूँ दस साल से ालिबन बरतानिया जा रहा हूँ फिर यूएई के तमाम ममालिक मलाइया हॉलैंड, नॉर्वे पता नहीं कहाँ कहाँ लेकिन उसमें होता है कि अब अपने वक्त का भी मसला होता है ना जाहिर है कि मेरी जॉब भी थी साथ और जॉब के साथ बहुत सारी चीज़ें मैनेज करना जरा दुशवार उड़ा जाता है लेकिन फिर एक मरल पर आकर जब मैं जॉब सेलीहदा हो गया सिर्फ नात रिसर्च सेंटर के लिए क्योंकि मैंने नात पर जो तनकीदी तहकीकी काम शुरू किया जी, जी, तो मुझे एहसास हुआ कि उर्दू में इस ज़िम्मन में जो चीज़ें हुई हैं वो बहुत नाकाफी हैं और उनकी लिटरेचर में कोई वैसी हैसियत भी नहीं बन सकी जैसी किसी शेरी सिनफ़ के लिए बाज़ चीज़ों का आना तहकीकी मकालत का या तनकीदी किताबों का तो वो नहीं थी हमारे यहाँ तो मैंने फिर सारी तोज्जो उस पर कर दी और अब मेरी अब मेरी ज़्यादा तवज्जो नात रिसर्च सेंटर से पर है अब तक मैं उससे नब्बे से, से ज़्यादा किताबें अलहमदिल्ला छाप चुका हूँ जिसमें बेषतर पी एच डी के मकाले हैं और मेरी अपनी कोई सोलह के करीब किताबें अलहमदिल्ला आ गई हैं जो मैं रिसाला नात रंग निकालता हूँ कराची से ये उर्दू के रिसर्च जर्नल्स में एक बड़ी अहमियत रखता है और उसके अब तक उनतीस शुमारे आ चुके हैं और ये पाकिस्तान हिंदुस्तान की तमाम बड़ी यूनिवर्सिटियों में इसको एज ए रिसर्च जर्नल तस्लीम किया जाता है और उस पर काम करते हैं लोग मेरे साथ बहुत सारे बिल्कुल यानी नाथ सेंटर नाथ रिसर्च सेंटर जो आपने खोला है तो मतलब ये कि पूरी दुनिया में है ये सारे लोग इसकी शाखें हैं।, हैं इसकी शाखें हैं।, हैं क्योंकि ज़ाहिर के लिटरेचर को सिर्फ तबाह कराना ज़रूरी नहीं है मतलब आप आप किताबें सिर्फ शाया करके बैठ जाएँ तो वो काम नहीं होता तो मैंने उसके मुख्तलिफ़ ममालिक मुख्तफ लोग अपने तैयार करके और उनकी जिम्मेदारी लगाई कि जब वो कोई किताब नात रिसर्च से सेंटर से छपती है तो वो यूके में भी पहुँचे वो कनाडा में भी पहुँचे वो अमेरिका में भी पहुँचे जहाँ जहाँ उर्दू के मराकज़ हैं वहाँ जाए और हिंदुस्तान की, की खास तौर पर तमाम पैंतीस से ज़्यादा यूनिवर्सिटियों को पाकिस्तान की तमाम बड़ी यूनिवसटियों के शोब उर्दू को और शोबह इस्लामियात वगैरह को इस्लामी तारीख से जो रिलेटेड चीज़ें उन तक ज़रूर पहुँचे और उसका नतीजा ये हुआ कि अब

नबी अलैहि वसल्लम के ज़िक्र से जुड़ी हुई सिंफ को का भी नहीं माना गया था उर्दू में नात को शेरी अशनाफ़ में गिना नहीं जाता था लेकिन अब अल्लाह के करम से यह मामला है इन तीस बरसों की मेहनत में जो पीछे मैंने और मेरे साथ जुड़े हुए लोगों ने की है कि अब नात को बाकायदा शेरी सिनफ माना जा रहा है अगर आप देखते हैं मुख्तलफ़ शोबों में जाके देखें तो आपको नात पर किताबें छपती हुई नज़र आएँगी नात खोशिया नातियाँ मुशारे होते नज़र आएँगे जी। तो ये, एक ये पहले था लेकिन बहुत लिमिटेड था मखसूस अयाम में रबी रबील में रमज़ान में ख़ास मौके पर होता था जी। जी। लेकिन अब तो ये माशरे की कबूलीत यहाँ तक है कि अब हर सतह पर आपको यानी ऐवान सदर से लेकर नीचे तक अवमी इजात तक हर जगह नबी करीम की तारीफ व तोसीय की गूँज सुनाई देगी उसमें एक मीयार को तलाश करना और उस अदबी मैार को फिर लिटरेचर के लोगों तक पहुँचाना ये एक छोटी सी कोशिश थी उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने फजल से बरकत अता फरमाई वाह बहुत बड़ी बात है कहते हैं कि कोई शायर हो मुफक्किर हो या अदीब हो शुर की आगे ही उसकी ज़िंदगी होती है और आपको अल्लाह मैंने ये बहुत बड़ी नेमतों से नवाज़ा है बहुत कुछ दिया है अल्हम्दुलिल्लाह और अल्लाह में आपके टाइम में भी बरकत दे आमीन और ये कि आगे भी आप बहुत कुछ इंशाल्लाह जो जज्बा है आप में और जो कुछ आप करना चाहते हैं आपका ताल्लुक क्यों ट्यूबे से भी रहा उसके, अच्छा, उसके बाद मुझे क्यू टीवी जाहरे मेरी दिलचस्पी का सामान था तो वहाँ के जो मालिकान में से थे हाजी अब्दुल रहू साहब उन्होंने फिर क्यू टी वी में मुझे ले लिया और क्यू टी वी को मैंने तकरीबन दो साल चलाया और क्यू टी वी में बहुत सारे फिर ऐसे प्रोग्राम किए मैंने जो हमारे नादगो शुरा गुजरे हैं मकबूल नादो शुरा उनसे मुतल प्रोग्राम कराए कुछ सौ डेढ़ सौ से ज़्यादा प्रोग्राम ऐसे शुरा पर कराए जिनके मजमूे छप गए थे लेकिन उनका तारफ़ नहीं था कि तो उनकी शख्सियत उनकी सीरत उनके उनके अहवाल आसार पर मबनी गुफ्तु और फिर उनके कलाम मुख्तफ नातख़ानों से पढ़वाए गए उसी प्रोग्राम में तो वो एक रिकॉर्ड बन गया बिल्कुल बिल्कुल के कहते हैं कि खुदा खुदूस जब किसी पर महरबान होता है तो उसको नाथ खाने की तोफ़ी कता करता है हर एक के बस की बात नहीं और अल्लाह मेंियाँ हर एक को नवाजता भी नहीं है आपने जैसे बताया कि आप अपने ख़ानदान अपनी फैमिली के वाद फ़र्द थे और आपको अल्लाह में इन सब चीज़ों से नवाजा है तो अब आगे आपने क्या सोचा है आप बुलंदी किस मुकाम पर पहुँचे अलहमदल तो अब आगे आपका क्या है कि आप क्या करना चाहते हैं सर मैं जो कर रहा हूँ उसका कोई आगे नहीं है मुस्तबिल ही मुस्तबिल है उसका। आगे ही आगे। आगे आगे। <laughs> तो हमारी आखिरत तक है दूसरी बात यह कि मैं अपने घर का फर्द वाद जरूर था लेकिन अल्लाह के करम से अब मेरी बहन नात पड़ती है मेरी बमी नात पड़ती है माशाल्ला, बच्चे नात पढ़ते हैं और यह सब माशा अपने अपने माशरे में अपनी अपनी जगह अपना अपना किरदार अदा करें अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने हमें दीन की तरफ लगाया दीन के काम में लगाया और उसके फजल के सिवा कुछ नहीं कर सकता इंसान तवज्जो भी दिलाने वाला वो होता है और तवज्जो दिलाकर नवाज़ने वाला भी वो होता है तो उसकी मेहरबानी है कि उसने हमारे घर को मुझे नात की खिदमत के लिए मुंतखब किया बेशक तो अभी नाजरीन मैं मेरे साथ हैं जनाब सबीदीन रहमानी साहब और मैं नात गोई के बारे में नात के बारे में इनकी शायरी इनके किताब और इनके तमाम काम के बारे में जानना चाहती हूँ और आप लोग भी कहीं मत जाइएगा अभी मैं आती हूँ एक शॉर्ट ब्रेक के बाद मैं बज़म शेर व अदब में फिर एक दफ़ा वो सिलसिलों को वहीं से शुरू करने की कोशिश करती हूँ हमारे साथ हैं जनाब सबीउद्दीन रहमानी साहब और उनसे बहुत खूबसूरत बातचीत हो रही है हमारी लहजा का करिश्मा था या आवाज़ का जादू लहजा का करिश्मा था या आवाज़ का जादू वो बात भी कर जाए मेरा दिल भी दुखे ना बहुत खूबसूरत और ये कि बहुत बड़े नातख़ा में उनका शुमार होता है मेरी खुशनसीबी है कि मैं आज उनके साथ हूँ और आप सब भी कहीं मत जाइएगा इस प्रोग्राम को ज़रूर बड़े ग़ौर से और बहुत शौक़ से देखिएगा खुदाए खुदूस जब किसी पर मेहरबान होता है तो उसको नाथ ख़ानी की तोफ़ी अता करता है और मैं जनाब सभीीन रहमानी साहब से वही गुफ्तु का सिलसिला वहीं से जोड़ती हूँ आप एयरलाइन में थे शाहन एयरलाइन में तो ये कब की बात है ये आज से कोई सात आठ साल पहले मैं शाहीन एयरलाइन ज्वाइन की थी जिस ज़माने मैंने ए आर वाई छोड़ा तो उसके फ़ौर बाद मुझे शाहीन एयर से ऑफर आ गई उनको हज मिला था तो हज ऑपरेशन शुरू होने वाला था एयरलाइन का तो उसके मालिक यहीं रहते थे खालिद सहबाई साहब कैनेडा से ही थे जी। तो वो मेरे दोस्त थे उन्होंने मुझे बुलाया और कुछ से कहा कि भाई मुझे हज मिल गया और मुझे इसमें इस काम में तुम्हारी मदद चाहिए तो मैं दो साल उनका तकरीबन हज डायरेक्टर रहा अच्छा उसके बाद फिर उन्होंने मेरी पोस्टिंग कर दी जद्दा एज ए कंट्री हेड सऊदी अरब के तो फिर मैं वहाँ रहा तकरीबन डेढ़ साल मैंने वहाँ काम किया अल्लाह करम से और उस बहाने मुझे हरमैन से करीब रहने का मौका मिला जी। और मैं समझता हूँ यही उस जॉब की सबसे बड़ी खूबसूरती थी मेरे लिए आपकी खुश जी अल्लाह का खुश नसीब अल्लाह का एसान सर आपको तमगाज़ से भी नवाजा गया है और ये बहुत बड़ा एजाज़ है कोई मामूली बात नहीं है तमगा इम्तियाज़ मिलना तो ये किस सिलसिले में नात की वजह से नात गोई अलहमदिल्ला मैं शायद वाद आदमी हूँ ये तमग़ा इम्तियाज़ दो हैसियतों में मुझे अल्हं दिया अल्हं। गया है एक तो नात पर जो मेरा रिसर्च वर्क है अपना उसके हवाले से और एक नात खानी के हवाले से यानी दोनों शोबों में ला के क्रम से मुझे याताफ़न फरमाया हुकूमत पाकिस्तान ने तो असल तमगा तो आपको आख़रत में मिलना है अल्लाह करे वो तमग़ा मिले बिल्कुछ, जो हमारे लिए खैर का बायस हो दुनियावी अतबार से पज़ीराई बहुत अहमियत रखती है इसलिए कि पज़ीराई से कोई भी आर्टिस्ट है अदीब है शायर है या किसी भी किस्म का तखलीकी काम करने वाला है उसको एक तोानाई मिलती है याद ये याद रखिए कि हम सब इसलिए लिखते हैं कि हम पहचाने जाए किसी ना किसी सतह पर वो किसी का मिसरा है कि ज़िंदा रहने की ख्वाहिश लिखवाती है तो ज़िंदगी सिर्फ सांस लेने का नाम नहीं ज़िंदगी अपने एतबार का नाम भी है कि माशरे में आप कहीं हैं मौजूद तो आपकी हैसियत क्या है आप कहीं चराग की तरह रोशन है, है? या कहीं गुमनामी की ज़िंदगी में पड़े हुए हैं बस ठीक है खाना खाया उठ गए जॉब की एक जॉब तो अल्लाह जिन लोगों से कोई काम लेता है उन पर यकीन उनके लिए आसानियाँ भी पैदा फरमाता है वक्त में भी बरकत है बिल्कुल बिल्कुल तो अल्लाह ने मेरे लिए भी इसी तरह के बहुत सारे मामले आसान फरमाए ये तमग़ा भी उसी नेमतों में से है जो उसने अपने फजल से मुझे मुझा फरमाया बहुत बड़ी बात है ये कोई मामूली बात नहीं है आपको तमगा इम्तियाज़ से नवाजा गया है और ये हुकूमत की तरफ से एजाज़ है कोई पर्सनल कोई कोई अदारा कुछ भी नहीं तो मैं ये समझती हूँ कि शायद शायद आप वाहिद वो हैं जिनको तमगा इम्तियाज़ से नवाजा गया अलहमदिल्ला तो सर ये आप में जो इतनी सारी खूबियाँ अल्लाह ने दी हैं और अल्लाह ने आपको अपना पसंदीदा बंदा बनाया हुआ है बेशक आपको बहुत सारी चीज़ों से नवाजा गया है आपकी फैमिली में आपके बच्चों में भी ये सब चीज़ें हैं किसी को शौक़ है जी मेरे दोनों बेटे माशा नाज़ पढ़ते हैं और एक बेटा तो उसमें खासा आगे सैद मोहम्मद ताबिश मेरा बेटा है सैद सरमद सभी मेरा बेटे दोनों बेटे माशाल्लाह पढ़ रहे हैं महफिल में पढ़ते हैं और ताबिश ने मेरे साथ बहुत जगह टीवी प्रोग्राम्स में पढ़ा है वो खासा क्लासिकल अंदाज में अनाथ पढ़ता है माशा इसके अलावा मेरी अहलिया अनाथ पढ़ती हैं अच्छा। लेकिन वो खुतिन के इज्तम अच्छा। में एक बात, अच्छा ज्यादा उनके आप कह सकते हैं आपकी पूरी फैमिली इसमें इन्वॉल्व है जब आप इस फील्ड में आए थे आप अकेले थे लेकिन अब आपके साथ पूरी फैमिली आपके साथ पूरा ग्रुप अल्हम्दुलिल्लाह आपके ला बच्चे ला आपके वाइफ सब लोग हैं इस इसमें ला शामिल हैं माशाल्लाह माशाल्लाह तो सर आप अपने बच्चों को और अपनी फैमिली को क्या गाइड करते हैं कुछ बताते हैं कि ऐसे है वैसे हम घर में होते हैं तो बच्चे सुनाते हैं कोई ना कोई चीज़ कोई नई डेवलपमेंट कोई नया कलाम तैयार किया है तो जाहिर है कि हम घर में बैठते हैं और हमारे घर का माहौल ऐसा है कि हम जब आपस में बैठते हैं तो वो एक तरह की महफिलें नाती हो जाती है महफिलें मिला वा, दी हो जाती क्योंकि बीवी को भी मेरी बहुत ज़्यादा शौक़ है तो उसने मुख्तफ़ कस्म के माइक खरीद रखे हैं तो जैसे उसे मैं मैं असर आता हूँ सबसे पहला काम उ होता है माइक में देखिए मैंने नया कलाम ये पढ़ा है नई चीज़ तैयार की है इसी तरह बच्चे वो अगर मैं मुल्क से बाहर भी हूँ तो कोई चीज़ पढ़ के मुझे भेज देते हैं कि ये मैंने पढ़ाया नया कलाम देख लीजिए तो एक इन्वॉलमेंट है असल चीज़ तो नात के ज़रिए नबी करीम के क़ुरब की ख़्वाश रखना और उनसे जुड़े रहना है नात का जो असल मकसद है वह हजूर सलाम की ज़ात से वाबस्तगी है वरना नात तो सिर्फ़ अशार है तो सिर्फ़ अशार, अशार तो नहीं बट इन अशार का ज़िंदगी पर यह असर है कि ये एक बेहतरीन माशरे की तख्लीक के लिए जो इंसान की शख्सियत में गुदाज होना चाहिए इंसान दोस्ती होना चाहिए दूसरे के की पासदारी होनी चाहिए वो उस वक्त होती है, है। जब आप नाशरीफ़ पढ़ते हैं या हजूर आल सलाम से कोई ताल्लुक रखते हैं तो जब ताल्लुक सीरत पर भी असरअंदाज होता है अमल पर असरअंदाज होता है इसलिए बहुत सारी चीज़ें फिर हमारी तबीयत में उस नरमी की तरफ आ जाती हैं जो इखलाक से मुतल है आपके बिहेवियर से मुतल है आपके किरदार में रोशनी से मुतल है आप अपने गिरदोपेश के लोगों के लिए बायस रहमत हो जाते हैं बायस जहमत नहीं बनते आप दिल आज़ारी से बचते हैं आप नफ़रत को फैलाने से बचते हैं मोहब्बत का फ़रोग करते हैं ये नात की बरकत है इसलिए मैं समझता हूँ कि जो लोग नात से जुड़ते हैं या जो जुड़ रहे हैं वो एक बेहतर माशरा तख्लीक कर सकते हैं क्योंकि नात की सूरत वो नात नबी करीम से जुड़ रहे साहब नात से जुड़ रहे तो हमें चाहिए कि अपने बच्चों की तरबियत में नात को भी ज़रूर शामिल करें क्योंकि ये मोहब्बत का ऐसा नगमा है जो बहुत गैर महसूस तरीके से हमारी तालीम और तरबियत का ज़रिया बनता है कितनी अदीस हमारे जहन में रोशन हो जाती हैं नात पढ़ते हुए कितने वाक़ सीरत के हमारी शख्सियत में शामिल हो जाते हैं और हम उनसे फ़ैज़ हासिल करते हैं ये। तो ये नात की बरक़ात में से है हम लोग सिर्फ़ नात को समा की चीज़ समझते हैं दरअीक़त यह पूरा तालीम का और तल्ल का एक निज़ाम है जो अगर हम अपनी जिंदगियों में नाफज करें ये जो मीलाद की महाफिल हमारे यहाँ होती थी बड़ी बरकत थी हमारे माशरों के लिए बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि उसमें लोग जमा होते थे खुश वजू से मोहब्बत से अखलास से और अपने तौर पर बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करते थे इसलिए कि उन्हें अल्लाह और उसके हबीब की रजामंदी की दुस्तू थी आप देखिए जब से मीलाद की महाफिल पर सवाल उठे या कन्फ्यूजन सामने आए तो लोग उन बरक़ात से महरूम हो गए माशरा जुड़ जाता है इस्लाम मुख्तलफान से माशरे में रहने वालों को जोड़ता है जैसे नमाज के लिए हम नाम ही एक जैसे नमाज के लिए हम जमा होते हैं मस्जिद में अगर मुसलसलिक आने वाला आदमी ना आए हाँ। तो उसकी खबरगिरी करते हैं लोग इसी तरह हमारी खुवान हमारे बच्चे जो समाजी तकारीब और वो तकारीब जो अल्लाह और उसके हबीब के नाम पर हों जब उसमें जुड़ते हैं तो उनमें आपस में एक मोहब्बत का उनका एक रिश्ता बनता है बिल्कुल तो महफिल मिलाद की कसरत और तौर से ख़ीन के अज्तात में महफिल मिलाद की कसरत क्योंकि घर में खवतिन का असर ज़्यादा होता है बच्चों को ज़्यादा वक्त देती हैं तालीम तरबियत पर मैं समझता हूँ कि हमें मिलाद से जुड़ना चाहिए मीलाद शरीफ क्या है उसूलात सलाम की तलीमत का बयान है कुर हकीम की तफसीर है तो इस तरह हम अपने आबाजाद के तरीक़े पर अपनी ज़िंदगी के निज़ाम को इस्लाम के निज़ाम के तहत लाने की कोशिश करते हैं तो ये एक बहुत बड़ा काम है इस तरफ तवज्जो करनी चाहिए बिल्कुल। बच्चे कितने हैं सर आपके? मेरे तीन बच्चे हैं जनाब दो बेटे और एक बेटी अलहमदल और दोनों बच्चे बड़े मेरे हैं उनकी शादी हो गई है अब बेटी अब अभी तालीम से फारिग हुई है अब इन उसके लिए कुछ देखेंगे बेहतर करेगा सर आपने जैसे कि बताया कि आपके दोनों बच्चे नात पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह तो क्या कभी ऐसा भी हुआ कि आपका कलाम उन्होंने पढ़ा हो जी हाँ ज़रूर पढ़ते हैं ऐसा कैसे मुमकिन है कि वो बाप का कलाम ना पढ़ें बल्कि वो मुझे कई उन्वाना से छोटा बेटा तो मेरा जरा खासा क्लासिकल अंग में है अच्छा लेकिन ये कि उसके बावजूद वो मेरे कलाम पढ़ता है और बड़ा बेटा तो मुझे ही पढ़ता ज़्यादा अच्छा तो दोनों को एक ज़ाहिर के शौक़ होता है फिर घर में जो आवाज़ बचपन से वो सुन रहे हैं, सुन रहे हैं। वो एक तबीयत में अपनी जगह बना लेती है मिजाज में जी बिल्कुल बिल्कुल सर आपने नात के अलावा ये सलाम मनकबत और ये हमद ये सारी कुछ भी आपने पढ़ी होगी और यकीन लिखा भी होगा ज़ाहिर लिखने का शौक़ है आपको और इतनी सारी किताबें लिख चुके हैं अलहदुल्ल और आपके आपने अभी बताया थोड़ी देर पहले कि कोई रसाला भी आप निकालते हैं जी नात से? नात रंग के नाम से नातिया अदब पर एक तनकीदी तहकीा है जो मैंने नाइनटी फाइव से शुरू किया था नाइन्टी साल में आता है साल में, साल में एक या दो शुमारे आते हैं इसके अच्छा। और अब तक इसके उनतीस जर्नल छप चुके हैं और ये बाज़ात ये आठ सौ सौ तक भी पहुँच जाता है वैसे ये नॉर्मली कोई चार सौ पाँच पेज का होता है बड़ी बात है क्योंकि एक मौजूद रिसाला निकालना उर्दू में एक बहुत दुशवार काम है फिर एक ऐसे मौजू पर जिस पर पहले लिखा पढ़ा ही ना गया हो नात पर तोसीफ़ी नौीय के मजामिन तो बहुत मिलते हैं कि सभी रहमानी की नात गोई शबनम रोमानी की नात गई फला की नात इस तरह के और उसमें भी लोग सिर्फ कैरेक्टर सर्टिफिकेट देते थे कि सभी साहब ने चार हज किए हैं इतने उमरे किए हैं इतने आदमी हैं नाद भी, भी कहते हैं जी। तो इस इस सतह से बुलंद करके नाद की परख को ज़बान के अतबार से शेरी एतबार से फ़नी महासिन के अतबार से देखने की जो रिवायत है वो बहुत मदूम थी वो अल्लाह की रहमत से जब मैंने और मेरे साथ जुड़े हुए लोगों ने इस पर मेहनत की जी। तो अल्लाह ने फिर इस मकाम तक पहुँचाया कि आज नात के महासिन पर बिल्कुल उसी तरह बात होती है जिस तरह गज़ल के महासिन पर होती है आज गज़ल का अमूमी रवैया क्या है गज़ल के मजामी में क्या तब्दीली आई है उसी तरह हम नात पर बात करते हैं कि नात अहद रसालत मापल वसलम में उसके मौजुआत क्या थे आज भी उसके बुनियादी मौजुआत वही हैं लेकिन माशरे में रहते हुए अब जिन मौजूद को गैर महसूस तरीक़े से हम नात में दाखिल होते देख रहे हैं वो क्या है उनका इम्पेक्ट क्या है तो एक बहुत एक दरवाज़ा खुल गया है उर्दू अदब में मजहबीनाफ पर बात करने का माशाल्लाह. अल्लाह के करम से. अल्लाह के सर कुछ सुनाएंगे आप माशाल्लाह से आपका लहजा आपकी शख्सियत ऐसी है कि आदमी को यह एहसास नहीं हो रहा है कि कितना टाइम हुआ है बस आप बोल रहे हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं सुनती जाऊं। अब वक्त का बिल्कुल सामिन बिल्कुल बिल्कुल नाजरीन एहसास नहीं हो रहा है कि कितना टाइम हुआ है और हमारे साथ हैं सबुद्दीन रहमानी साहब और अभी फिर हमसे कुछ सुनने की ख्वाहिश करते हैं कि आप कुछ मैं। सुनाए मैंने से ਨਾਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਕਮ ਕੀ ਹੈ ਮੈਨੇ ਇਸ ਕਰੀਨੇ ਸੇ ਨਾਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਕਮ ਕੀ ਹੈ ਸ਼ੇਰ ਬਾਦ ਮੇ ਲੇ ਖਾ पहले आखनम की है मैंने इस करीने से नातशह रकम की है शेर बाद में ले खा पहले आँख की है ये खयाल रहता है ये मलाल रहता है ये ख्याल रहता है ये मलाल रहता है ये ख्याल रहता है ये, ये मलाल रहता है मिदहते नबी में जितनी की है कम की है शेर बाद में ले खा पहले आख न देखिएगा सुबह उनको सोचते रहना भी तो एक इबादत है उनको सोचते रहना भी तो एक इबादत है और ये बात भी हमने दम बदम की है शेर बाद में ले खा पहले आख नम वाह सुबहान अल्लाह बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब ये हमारे लिए बहुत एजाज़ की बात है कि हमारे साथ आज सभीुद्दीन रहमानी साहब हैं और आप सब भी यहाँ पे बैठे हुए इनके नात से बहुत ज़्यादा मरूब हो रहे होंगे बहुत खुश हो रहे होंगे अल्लाह मियाँ ने सबको तोफ़ी अता किया है कि हमारे दरमियान सभी रहमानी साहब हैं और सभी रहमान साहब से हम बहुत सारे सवाल भी कर रहे हैं उनके बारे में भी जानना चाहेंगे और उनकी शायरी के बारे में उनके नात के बारे में उनके नात गोई के बारे में तो जनाब आप सबसे पहले ये बताइए कि आप बचपन आपका गुज़रा कैसा गुज़रा बहुत शरारती थे या शुरू से बड़े संजीदा रहे कैसा रहा आपका बचपन बचपन में अगर बच्चा शरारती ना ना तो वाले उसकी तरफ से फ़िक्रमंद हो जाते हैं बिल्कुल अच्छा इसमें जवाब आ गया। बिल्कुल, बेशक बिल्कुल ये शरारत क्यों नहीं कर रहा है हाँ, तंग क्यों नहीं कर रहा है इसमें जवाब आ गया बिल्कुल। <laughs> अच्छा आपकी पैदाइश कहाँ हुई सर मेरी पैदाइश कराची में हुई और उन्नीस सौ पैंसठ में आ, मैंने इस दुनिया में आग खोली और उसके बाद से फिर बस ये सिलसिला जारी, जो जारी रहा। आपके सामने बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब ये कराची में आप पैदा हुए आप मुस्तकिल आपका ठिकाना पाकिस्तान कराची में है तो आप नात के लिए किन किन नात पढ़ने के लिए आप कहाँ कहाँ बहुत सारे गए कुछ याद है कि कहां, बहुत सारे कहां? मेरा ख्याल है कोई तो शायद हाँ, अच्छा जी जी तो क्या वहाँ पे जब आप जाते हैं दूसरे ममालिक में जाते हैं तो ज्यादा लोगों की क्या होती है कि आप उर्दू में पढ़े या फारसी में भी जैसे आपने कहा तो फारसी कहाँ से सीखी आपने सर उन्होंने सीखी तो उसे सीखना तो नहीं कह सकते लेकिन चूंकि हमारे यहाँ फारसी जो है ना हमारी समा की रिवायत में महाफिल दीनी महाफिल की रिवायत में यानी फारसी का बड़ा असर था तो है हमने भी अपने बचपन में फारसी कलाम सुने आ, लोगों से और उससे हज़ उठाते हैं जी जी। तो वो कहीं कहीं जाहिर है कि आदमी को फनकारी निज़ाम में जाना हो तोाहिर है कि वो एक फारसी निज़ाम फारसी कलाम से ख़ास नस्बत है उन्हें तो मेरा ख्याल उसको पसंद करते हैं लोग लेकिन दुनिया भर में जहाँ भी आप जाए तो उर्दू पंजाबी में लोग ज़्यादा इंटरेस्ट होता है उनका नात खानी में इसलिए कि जाहिर है कि हर जगह है लोग और उर्दू तो एक ऐसी ज़बान है कि दुनिया के किसी ख़िते में चले जाएँ आप तो लोग उसको सुनते भी हैं समझते भी हैं प्यार भी करते हैं और उर्दू ही में ज़्यादा नातिया कलाम हमारे यहाँ सामने आया है यानी उर्दू दुनिया की जबानों में उर्दू को ये इफ्तार हासिल है कि सबसे ज़्यादा मद्सना का जो हिस्सा है जो जो सरमाया है वो उर्दू में है यानी अरबी और फारसी से हमारे यहाँ नात की रिवायत आई है लेकिन आज जो उर्दू का आमदिया और नातिया सरमाया है वो अरबी और फ़ारसी से बहुत ज़्यादा है इसलिए कि इस खत्ते के लोगों ने नबी करीम ﷺ की मोहब्बत को अपना जज्व ईमान बनाया है और यकीनी तौर पर दुरुस्त बनाया है। और सूफिया से लेकर यानी उर्दू की इब्ता से लेकर यानी उर्दू में जो अवलिन कलाम मिलते हैं जहाँ से उर्दू इब्तदा करती है तो उन सारी मसनवियों में उन सारे अशार में आपको हमदोनाथ के अज्जा मिल जाते हैं बिल्कुल यानी आप उसे कुली कुतुब शाह से गिने या दूसरे लोगों से फ़ताही से उससे गिने किसी से भी आपको बिल्कुल इब्तदाई दौर में ही चूँकि सारी सूफिया के सूफिया की खानकाहों में सूफिया के यानी समझ लीजिए कि आगोश में उर्दू की परवरिश और पर्दा तो इसलिए उसका असर उर्दू के मिजाज पर इस्लाम इस्लाम की तहजीब इस्लामी रिवायात और इस्लाम के अहकाम ये गैर महसूस तरीके से हल है कि उर्दू गज़ल पर भी इसका एक बड़ा गहरा असर है हमारे दीनी मिजाज का जी जी बिल्कुल मैं समझ सकती हूँ उर्दू की अपनी अहमियत है और उर्दू ज़ुबान में जितनी किताबें लिखी गई हैं और जितने शोरा हैं अलहमदल तमाम दुनिया में उर्दू बोली जाने वाली ज़ुबान है सर एक बात मेरे जहन में बार बार आती है कि ये पढ़ने का रुझान कम नहीं हो गया है आज के नई नस्ल मीडिया और कंप्यूटर का दौर है तो आपको क्या लगता है उर्दू पढ़ने कहां का, तक के लोग पढ़ने पढ़ने संभाल कर रखेंगे हम पढ़ने का रुझान कम नहीं हुआ मीडियम बदल गए असल में हर खित्ते के अपने मसाइल हैं अब एक जमाने में अहले जौक बड़ी बड़ी लाइब्रेरियाँ अपने घर में रखते थे और घर में दूसरी चीज़ों की अहमियत कम थी और लाइब्रेरी की अहमियत ज़्यादा थी अब हालत यह है कि लोगों के घर सुकड़ते जा रहे हैं छोटे होते जा रहे हैं उनमें किताब के लिए जगह नहीं है अह खाना के लिए मसाइल बन रहे हैं तो वो रख नहीं सकते अब लाइब्रेरीज में को उठा के दे देते हैं या बाहर आ जाती हैं किताबें जी। लेकिन पढ़ लोग आज भी रहे हैं लोग आज, आज भी उर्दू के साथ जुड़े हुए हैं आप देखिए सारा सारा सोशल मीडिया आपका उर्दू शायरी से भरा हुआ है जी जी। और उसमें सिर्फ मुसलमान नहीं बल्कि दुनिया के हर खत्ते से जो भी लिखने वाले तख्ली हैं हैं मुख्त के लोग जुड़े हुए भी वो भी सब लिख रहे हैं और पढ़ रहे हैं लेकिन ये कि किताबों की इशात पर फ़र्क पड़ता है क्योंकि ज़ाहिर है कि अब इंटरनेट का ज़माना आ गया हर चीज़ की पी मौजूद है हर चीज़ की ई बुक्स मौजूद हैं तो वो किताबों की अशात पे थोड़ा फ़र्क पड़ा लेकिन मैं उससे भी मतमिन हूँ इसलिए कि अभी भी किताबें बड़ी तादाद में आ, जब भी कोई बुक फेयर होता है करोड़ों करोड़ों रुपए की किताबें बिकती हैं तो आखिर ये कोई लोग ले ही रहे ना जी जी। इतनी बुरी हालत भी नहीं है लेकिन ये कि जो उर्दू का हक था शायद वो उसे सरकारी तौर पर नहीं मिल सका वरना शायद इसमें हम और बहुत ज़्यादा तरक्की करते पाकिस्तान की जबान सरकारी उर्दू ही होनी चाहिए थी और जैसे फारसी में भी पढ़ी ना, नात और ये पंजाबी में भी और उर्दू में भी तो पंजाबी जुबानी पे कैसे कैसे उबूर हासिल हुआ नात पढ़ना नहीं, नहीं तो सर नहीं है थोड़ा मुझे पंजाबी में थोड़ा सा कुछ सुनाएंगे आप जी क्योंकि पंजाब के लोग बड़ी मीठी जुबान है अल्हम्दुलिल्लाह मैं हमेशा ये कहती हूँ कि उर्दू के साथ जुड़ा हुआ है ये जी जी। पंजाबी जुबान भी जी। और इसमें बड़ी खूबसूरती एक रख रखा हुआ है हमारे पंजाब के लोग भी, भी। खालस जज्बों की जुबान है आप, आप हैरान होंगे कोई भी जुबान है एक शनाख्त और पहचान और हमारे अपने कल्चर का एक हिस्सा है तो बहुत खूबसूरत जुबान है पंजाबी और ये कि पंजाबी के जानने वाले सुनने वाले वैसे ही शौकीन है जैसे कि उर्दू के भी हैं तो मैं एक मोहम्मद अली जहूरी साहब का एक कलाम है वो आपको एक दो एक बंद सुनाता हूँ उसका जी बिल्कुल दुनिया ते आया कोई तेरी नाम साल दुनिया ते आया ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਸਾਲ ਦਾ ਮੈਂ ਲਬ ਕੇ ਲਾਵਾ ਕਿਥੋਂ ਸੋਣਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਦਾ ਮੈਂ ਲਬ ਕੇ ਲਾਵਾ ਕਿਥੋਂ ਸੋਣਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਦਾ ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਆਇਆ कोई तेरी निस साल दा। वा, वा, चेरा तेरा नूर सारी कायनात का चेहरा तेरा नूर वंडे सारी कायनात नू रब भी सलाम भेजे एक तेरी जब भी सलाम भेजे एक तेरी शहदाए जमाना तेरे शहदाए जमाना तेरे स्नौ जमालदा शहदाए जमाना तेरे हुस्नौ जमालदा दुनिया ते आया कोई तेरी नाम साल दा सुबहानल्लाह सुबहान अल्लाह बहुत खूबसूरत बहुत खूबसूरत बहुत खूबसूरत <coughs> आपकी शख्सियत ऐसी है कि आप जैसे लोगों पे हम जैसे छोटे लोगों पर बात करना बहुत मुश्किल लग रहा है यह हमारी खुश नसीबी है कि आज हमारे साथ हैं और यह खुदा ख़ुदस जब किसी पर मेहरबान होता है तो उसको नात खाने की तोफ़ी अता करता है और उन्हीं खुश नसीबों में आपका नाम आता है और अलहमद और ये कि प्रोग्राम का टाइम चूँकि बहुत छोटा लग रहा है और इतनी बड़ी शख्सियत हमारे साथ है अगर चार घंटे भी आप बोलवाना चाहें इनसे और हम बोलें इनसे सवाल करें तो भी शायद हमारे लिए बहुत कम पड़ जाएगी रोशनी जो किसी के काम आए रोशनी जो किसी के काम आए एक दिया ऐसा भी रस्ते में जलाए रखना और टाइम की कमी के बाय में पूरा प्रोग्राम मैं समझती हूँ कि अभी कुछ तिशनगी रह गई है और रहमानी साहब का मैं बहुत तह दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ साहब आपका बहुत शुक्रिया आपने बड़ी मोहब्बत से और तवज्जो से इस प्रोग्राम के लिए मेहनत की एक तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ दूसरा आरफा मुजफ़्फ़र साहिबा से मेरा एक ताल्लुक बड़ा पुराना है सन 2000 में जब मैं पहली बार यहाँ आया तो मैं कारी वही ज़फ़र कासमी साहब और अहाज खुर्शीद अहमद हमें मौलाना आसफ़ कसमी आरफा मुजफ्फ़र साहिबा के प्रोग्राम में लेकर गए थे और मैं चूँकि रेडियो से बचपन से वाबस्ता हूँ तो उस वक्त भी मैं उनकी सालाइयतियों को देख कर बहुत मुतासर हुआ था कि उनका जो जिस तरह बोलने का अंदाज़ था जिस तरह प्रोग्राम को वो कंडक्ट uh, करती थी माशाल्लाह तो उसमें एक बहुत बड़ी तवज्जो थी और लोग सुनते थे उनका प्रोग्राम हाँ, हमें भी वहाँ जा कर खुशी तो है। मेरी तरफ़ से उनको भी ई आवाज़ टीवी के क्याम पर मुबारकबाद आपने पहुँचानी है और इस प्रोग्राम के जरिए भी पहुँच जाएगी बहुत दुआएँ मेरी उनके लिए उनकी कामयाबी देख जी खुश होता है उन्होंने इस माशरे को इस कम्यूनिटी के लिए बहुत मेहनत की है और उस मेहनत का अल्लाह ने उनको अजरता फ़रमाया उनकी नेकनी में सेहत में बरकतों की दुआ है मेरी तरफ से आपका बहुत शुक्रिया आपकी तमाम टीम का शुक्रिया आपका बहुत जजाक खैर आरफा आप अगर आप देख रही हैं प्रोग्राम तो आप यकीनन जान चुकी होंगी कि आपके चाहने वाले और आपकी शख्सियत से मुतासर कितने लोग हैं अभी सभी रहमानी साहब भी आपकी शख्सियत से मुतासर मैं भी सच्चे दिल से कह रही हूँ कि यह सर पर जो दुपट्टा रखा है वो आपको देख कर रखा है मैंने और हमेशा इस पर कायम भी रहूँ मैं आपकी शख्सियत वाकई ऐसी शख्सियत है सहरंगेज हर शख्स आपसे मरूब है आपको अल्लाह मियाँ ज़िंदगी के हर मोड पे कामयाब करे आपके टीवी को आपके चैनल को और तमाम लोगों से इजाज़त चाहूँगी इन शाह जिंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी आप सबसे अल्लाह हाफ़ <laughs>